हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, एनटीपीसी 2019 और ग्रुप डी 2019 एग्जाम डेट के संबंध में खबर लेकर के आपके समक्ष आ चुका हूँ। मित्रों, हम पूरी खबर विस्तार से लेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। मित्रों, हम एग्जाम डेट के संबंध में एनटीपीसी का एग्जाम और ग्रुप डी का एग्जाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले हम ग्रुप डी के बारे में लेते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम मित्रों आप लोगों का पहले होगा, आप लोगों को पता ही होगा एनटीपीसी से पहले होगा ग्रुप डी का एग्जाम। पूरी खबर विस्तार से लेते हैं हम। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी ने जिन छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, अप्लीकेशन स्टेटस तो पहले ही जारी कर दिया गया था, और जिन लोगों का अप्लीकेशन स्टेटस में फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, रेलवे ने उन लोगों को 17 तारीख से लेकर के हेल्प डेस्क पर और 23 तारीख की रात 12 बजे तक इसमें जो है सुधार का एक मौका दिया था। आखिरकार आपकी किस वजह के नाते फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उस जो है लिंक पर आपको डालनी थी। तो जिन मित्रों का ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, उन्होंने इसके संबंध में जो है फोटो के संबंध में हो, सिग्नेचर के संबंध में हो, या फिर किसी अन्य रीजन के नाते, अगर उनका जो है अप्लीकेशन स्टेटस में फॉर्म रिजेक्ट बता रहा था, तो उन्होंने अपने जो शिकायत ईमेल या एसएमएस के जरिए और लिंक के माध्यम से आरआरबी को सूचित किया होगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 24 तारीख है, तो मित्रों 31 तारीख तक जिन लोगों का फॉर्म जो है अब फाइनली रूप से एक्सेप्ट हुआ होगा या फिर रिजेक्ट हुआ होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आरआरसी के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रुप डी के एग्जाम के संबंध में, तो ग्रुप डी का एग्जाम में तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट अगस्त से लेकर के स्टार्ट सितंबर तक जो है अब आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। मित्रों, तो ये मान के चलिए अब 15 जो है सितंबर के बाद, 15 सितंबर के बाद किसी भी समय आपका ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो सकता है आरआरसी के द्वारा। तो आप लोग बिल्कुल ये चैनल पर बने रहे मित्रों, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है ग्रुप डी के संबंध में, ऑफिशियली नोटिस कोई आती है, तो वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल अब अवेयर हो जाइए, बिल्कुल अपनी तैयारियों में जोर लगा दीजिए मित्रों, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो ये मान के चलिए आपका 15 सितंबर के बाद किसी भी डेट में स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है, और संभवतः ये भी है कि लास्ट सितंबर तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जो है आपका अक्टूबर तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी ग्रुप डी की एग्जाम डेट के संबंध में, जो है अनऑफिशियली कहा जाए, इंस्पेक्टर जो है एग्जाम डेट कहा जाए, मैं ये आपको बताया। अब बात कर लें एनटीपीसी की, तो मित्रों एनटीपीसी का एग्जाम ये आप मान के चलिए अब आपका संभवतः जो है दिसंबर माह में ही हो पाना सुनिश्चित हो पाएगा, क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में कोई जानकारी अभी तक कोई नहीं मिल रही है कि कब तक एप्लीकेशन स्टेटस जारी किया जाएगा। लेकिन अब जो अगर बात कर लिया जाए फाइनली, तो एग्जाम डेट अब आपका जो है ग्रुप डी का पहले, जैसा कि आप लोग भी समझ रहे होंगे, और एनटीपीसी का एग्जाम डेट अब आपका दिसंबर में हो पाना सुनिश्चित हो पाएगा। तो जैसे भी कुछ और ऑफिशियली न्यूज़ मिलती है आप तक लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन जो कहा जाए कि एक्सपेक्टेड डेट के संबंध में ग्रुप डी और एनटीपीसी 2019 के संबंध में, वो आपको राहुल वाई फाई स्टेशन के माध्यम से बताई गई। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए मित्रों, जिन भाइयों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, और अब देखते हैं 31 तारीख तक रेलवे उसके प्रश्न जो आपके प्रश्न का, आपके जो एसएमएस का जो है, आपके जो है जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया होगा कि इस वजह के नाते मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अब जैसे भी कुछ होगा 31 अगस्त के रेलवे के द्वारा इसका पूरा पूरा जवाब दे दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम डेट के संबंध में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आप तक लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।